प्रभु भूल ना जाना, हे नाथ नब सिराना। श्री रामा जटते श्री रामा जटते जटते पीती रे उमरिया, कब लोगे तुम रघुराई दर्शन की खबरिया, काशी की खबरिया। श्री रामा जटते जटते पी रे उमरिया, कब लोगे तुम रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। उठी उठी करके अंगना नित रोज फुहारू, तेरी राहे निहारू। उठी उठी करके अंगना नित रोज फुहारू, तेरी राहे निहारू। रघुनंदन अब आ जाओ, आदर पावन कर जाओ, सब रीति झोपड़िया लोगे तुम रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। श्री रामा जटते जटते, श्री रामा जटते जटते पीती रे उमरिया, सब लोगे तुम रघुराई काशी की खबरिया। और आप हैं श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी और हमारी दीनानाथ, आपका नित्य प्रतिदिन आपका नाम लेती हूं, आप है कि दर्शन नहीं दे रहे हो प्रभु। हे मेरे प्रभु, क्या मेरे गुरु का कहना असत्य हो जाएगा, क्या आप दर्शन नहीं दोगे प्रभु? मैं नित्य प्रतिदिन आपका नाम लेती हूं, नित्य प्रतिदिन मैं जंगल में जाती हूं जहां बेल लगे हैं, मैं बेल चक चक के लाती हूँ कि एक न एक दिन प्रभु राम जी अवश्य आएंगे और मैं उनको बेल खिलाऊंगी। लेकिन दीनानाथ आप दर्शन नहीं दे रहे हो। दर्शन की प्यासी दासी को भूल ना जाना। अच्छा, तुमको दाई काफी वर्ष हो गए, बहुत दिन हो गए। आप ही के गुरु ने वरदान दिया था कि त्रेता के चौथे चरण में भगवान दर्शन देंगे। बिल्कुल। और चूंकि आपने वैवाहिक जीवन त्याग दिया था बहुत पहले, आपके जो गुरु हैं मतंग ऋषि जी, तो आपने विवाह किया नहीं, केवल भगवान की भक्ति की है। त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है हमारे घर, राम लखन कब आई है। मुकुट मके जागृत कुंडल, मुकुट कागज कुंडल अलग झलक जल गई है हमारे घरे, अलग झलक जल गई है हमारे घरे, राम लखन सब आई है हमारे घरे, राम लखन सब आई है, अलग झलक झल गई है हमारे घर, अलग झलक झल गई है हमारे घर, राम लखन सब आई है हमारे घर।
हे मेरे परमनाथ, हे मेरे शिवनाथ, हे दीनानाथ, आप दर्शन नहीं दे रहे हो, क्या मेरे गुरु का कहना असत हो जाएगा? सभी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझे जी भाए। क्या मैं अछूत जात की हूँ इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे प्रभु? बिल्ली जात की हूँ इसलिए नहीं दर्शन दे रहे हो? कहाँ हो मेरे दीनानाथ? लग गई है, अब तो क्या कर रहे हो? हे मेरे प्रभु, आप दर्शन नहीं दे रहे हो। मैं बालकांड में थी। कहाँ थी? पहले बालकांड में थी, छोटी थी तब। हाँ छोटी थी, फिर युवा कांड में घुसी, अब वृद्धा कांड में धसी हूँ। पूरा जीवन कांडों से भरा है। कांडों से भरा है अभ्यास जी, ये कांडों से ही जीवन सबका भरा होता है, एक का नहीं, संघर्ष होता है सबके जीवन। हाँ, जो कोई संघर्ष करके निकल जाए वही मनुष्य है, जो संघर्ष से डर जाए वो मनुष्य कहे को है। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए। बिल्कुल, समस्या पैदा होती है समाधान तुरंत होता है, समाधान हुआ कि दूसरी समस्या प्रारंभ, ऐसा होता है। कामनाएं एक आए एक जाए, नियम है। मेरा मन भव की तरह भटक रहा है दीनानाथ, आप नहीं आ रहे हो। मन भय भौरा, मन भय भौरा, मनाए नहीं मारे। मन भय भौरा, मनाए नहीं मारे। मन भय भौरा। और दाई, वैसे हम नहीं चाहते कि आप संगत करो, चूंकि आप तो भगवान की भक्तिन हो। हाँ, लेकिन भगत तो, भी पागल होता है। हाँ, भगत भी पागल होते हैं, चूंकि भगत के बस में है भगवान। बिल्कुल, तो आप तो नाचती रही हैं भगवान के भजनों में। बिल्कुल, हाँ, थोड़ा दिखा दो। मन भय भौरा, मनाए नहीं मारे। मन भय भौरा, मनाए माने। इसी में आप हमारी रामलीला समिति अध्यक्ष जी श्री दिनेश राजपूत जी और श्री रविंद्र राजपूत जी, आप दोनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं माता सबरी जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं आप ही लोगों की ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद। तो ऊंच नीच नहीं आरा, मन भय भौरा, ऊंच नीच नहीं आरा, मन भय भौरा, मनाए नहीं माने। मन भय भौरा, मनाए नहीं माने। मन भय भौरा, मनाए नहीं माने।
मन भय भौरा मांगे मिले नहीं कोरा मन भय भौरा मांगे मिले नहीं कोरा मन भय भौरा मन आए नहीं आप दर्शन नहीं दे रहे हो का हो मेरे प्रभु सबरी देखी राम गृह आए जय हो प्रभु मुनि के बचन समुझ जिए भाए बड़ी कृपा हुई दीनानाथ श्याम कार सुन दर तो भाई आइए ब्रह जी सबरी परी चरण लपटाई सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बाजी बखानी जय हो मेरे दीनानाथ मैंने तो प्रतिदिन जंगल जाती थी अपन यहाँ बड़े बड़े बेर होते हैं काहे के होते हैं ब्यार जी बड़े वाला ब्यार तेंदू के बेर तेंदू के हाँ। हमारे यहाँ कहा जाता है तेंदुई हाँ बात एक ही है व्यंग्यात्मक बहुत से नाम है एक शब्द के हाँ तो प्रभु मैंने प्रतिदिन जंगल जाती थी और चकचक के बेर लाती थी कि एक न एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे तो मैं उनको बेर खिलाऊंगी लीजिए प्रभु खा लीजिए लीजिए खा लीजिए प्रभु हैं ले लक्ष्मण भैया तुम आओ खा लियो जय हो अब दोनों प्रभु खा चुके हैं तुम मैं कहे का बचो वो बहुत कड़े हैं बेर बेर जी बहुत कड़े बेर हैं इन्हें मुरता वो सूख गए होंगे सूख गए ना बेर तो इन्हें मुरता भामनी प्रेम है बेरों में आपके बहुत मीठे हैं तुम्हारे ये बेर बात उसमें तुम्हारे प्रेम का है आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में हमारी माताएं हमें अपने हाथों से भोजन करा रही हूं लेकिन तुम्हारे इन बेरों को मेरा भैया लक्ष्मण नहीं खा रहा क्या बात है लक्ष्मण खाओ इन बेरों को देखो कितना सुंदर बेर है कितने सुंदर इसमें स्वाद है खाओ इन बेरों को लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने खाया न बेर देखो तो कैसा मीठा है पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है पृथ्वी से ले तुमने भी बहुत सिखाए हैं पर इनसे बढ़कर और नहीं सीता का परसा भी भोजन देता था इतना स्वाद नहीं तुम खाते नहीं बात क्या है सकुचाते बोले भैया इन बे
है प्रेम छिपा, लोहे के बेर खा लो भैया इन बेरों में है। भामिनी, मैं तुम्हें अब अपनी वो नौ भक्तियां सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस किसी भी में मेरी ये एक भी भक्ति समाहित है वह मुझे सहज में ही प्राप्त कर सकता है। मेरी वो नौ भक्तियां तुम अपना मन लगा करके सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है बाबू, बाद में बतानी पड़ेगी कितनी सुनी कितनी नहीं सुन पाई। मैं अपने मन में धारण कर लूंगी, बताऊंगी किसी को नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गनये कराये कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद पिपासा। छठ दम सीले बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो सम्मोही मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा, मोटे अधिक आठों जटा लाभ संतोषा, आठों जटा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ऊपर देशा, सपने नहीं देखा। नवम सरल सब सन चले ही ना, नवम सरल सब सन चले ही ना, मम भरोसे ही है हरस नदीना। सचराचर कोई भावनी, मैंने तुम्हें अपनी ये भक्तियां सुनाई। तुम सोच रही होगी कि यहां पर कैसे आ गए। हाँ प्रभु, माता पिता के द्वारा आज्ञानुसार 14 वर्षों का वन मिला था। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी थी, पंचवटी नामक स्थान से उसका हरण हो गया है, उसी को खोजते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। यदि तुम जानकी के विषय को लेकर हमारी कोई सहायता कर सकती हो तो बताओ। हे प्रभु, मैं एक जगह का पता बताती हूँ, आप वहाँ पर पहुँच जाए तो आपको आपकी भार्या के ढूंढ में अवश्य सहायता मिलेगी। पंपा सराय जाए रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सराय पर सुग्रीव नामक बानर रहते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाइए, आप उनसे मित्रता करें तो भाग्य को ढूंढने में अवश्य सहायता करेंगे। ठीक है, जा रहे हैं। अरे प्रभु, अब आप जा रहे हैं दीनानाथ, अब पता नहीं आपके दर्शन मिले न मिले, इसलिए प्रभु मैं अपने प्राण आपके चरणों में ही त्यागना चाहती हूँ, ताकि आपका क्या करना चाहती है। प्राण, प्राणों को क्या करना है, इनके चरणों में त्यागना चाहती। हाँ, सामने इनके त्याग दीजिए। बिल्कुल, इनके सामने, ताकि इनका इनकी मूरत देखते देखते इस संसार से ऊपर चली जाऊं। ऊपर नहीं जाना, इन्हीं के धाम को जाना है। हाँ, इन्हीं के धाम को जाना है। हाँ। तुम सब आ जाना। तो अरे जानेंगे नहीं। अब मैं जा रही हूँ आपके चरणों में। जय श्री राम। अब मैं लुड़िस हो रही हूँ। और देखिए मित्रों, यहां तक अभी आपने
अरण्य कांड की लीला का दर्शन किया और इसके आगे का जो प्रसंग है वो किष्किंधा कांड की लीला है।